नमस्कार, तंत्र आगम पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो धर्म और तंत्र के ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बात करते हैं पंच तत्वों के महत्व के बारे में। प्राचीन समय से ही विद्वानों का मत रहा है कि सृष्टि की संरचना पांच तत्वों से मिलकर हुई है। सृष्टि इनका संतुलन बनाए रखती है। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो यह प्रलयकारी हो सकता है। जैसे यदि प्राकृतिक रूप से जल तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो सकता है, अथवा बाढ़ आदि का प्रकोप अत्यधिक हो सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंच तत्व का नाम दिया गया है। माना जाता है कि मानव शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना है। वास्तविकता में यह पंच तत्व मानव की पांच इंद्रियों से संबंधित है, जीभ, नाक, कान, त्वचा और आंखें हमारी पांच इंद्रियों का काम करती हैं। इन पंच तत्वों को पंच महाभूत भी कहा गया है। इन पंच तत्वों के स्वामी ग्रह, कारकत्व, अधिकार क्षेत्र आदि भी निर्धारित किए गए हैं। चलिए उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। पहला पंच तत्व आकाश। आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी के साथ साथ समूचा ब्रह्मांड इस तत्व का कारकत्व शब्द है। इसके अधिकार क्षेत्र में आशा तथा उत्साह आदि आते हैं। वात तथा कफ इसकी धातु है। वास्तुशास्त्र में आकाश शब्द का अर्थ रिक्त स्थान माना गया है। आकाश का विशेष गुण शब्द है और इस शब्द का संबंध हमारे कानों से है। कानों से हम सुनते हैं और आकाश का स्वामी ग्रह गुरु है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी श्रवण शक्ति का कारक गुरु को ही माना गया है। शब्द जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तभी उनका कुछ अर्थ निकलता है। वेद तथा पुराणों में शब्द, अक्षर तथा नाद को ब्रह्म रूप माना गया है। वास्तव में आकाश में होने वाली गतिविधियों से गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रभाव तरंगों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए आकाश कहें या अवकाश कहें या रिक्त स्थान कहें, हमें इसके महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। आकाश का देवता भगवान शिव जी को माना गया है। दूसरा तत्व वायु। वायु तत्व के स्वामी ग्रह शनि है। इस तत्व का कारकत्व स्पर्श है। इसके अधिकार क्षेत्र में श्वास क्रिया आती है। वात इस तत्व की धातु है। यह धरती चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। संभव है कि वायु अथवा वात का आवरण ही बाद में वातावरण कहलाया हो। वायु में मानव को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। जीने और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुँच पाई तो हमारी बहुत सी कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। व्यक्ति अपंग अथवा बुद्धि से जड़ हो सकता है। प्राचीन समय से ही विद्वानों ने वायु के दो गुण माने हैं, वह है शब्द तथा स्पर्श। शब्द का संबंध त्वचा से माना गया है। संवेदनशील नाड़ी तंत्र और मनुष्य की चेतना श्वास प्रक्रिया से जुड़ी हुई है और इसका आधार वायु है। वायु के देवता भगवान विष्णु माने गए हैं। तीसरा तत्व अग्नि। सूर्य तथा मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होने से अग्नि तत्व के स्वामी ग्रह माने गए हैं। अग्नि का कारकत्व रूप है। इसका अधिकार क्षेत्र जीवन शक्ति है। इस तत्व की धातु पित्त है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की अग्नि से ही धरती पर जीवन संभव है। यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों ओर सिवाय अंधकार के कुछ नहीं होगा और मानव जीवन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। सूर्य पर जलने वाली अग्नि सभी ग्रहों को ऊर्जा तथा प्रकाश देती है। इसी अग्नि के प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। शब्द तथा स्पर्श के साथ रूप को भी अग्नि का गुण माना जाता है। रूप का संबंध नेत्रों से माना गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत अग्नि तत्व है। सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वह सौर ऊर्जा हो या आणविक ऊर्जा हो या ऊष्मा ऊर्जा हो, सभी का आधार अग्नि ही है। अग्नि के देवता सूर्य तथा अग्नि को ही माना गया है। चौथा तत्व जल।
चंद्र तथा शुक्र दोनों को ही जल तत्व ग्रह माना गया है, इसलिए जल तत्व के स्वामी ग्रह चंद्र तथा शुक्र दोनों ही हैं। इस तत्व का कारकत्व रस को माना गया है। इन दोनों का अधिकार रुधिर अथवा रक्त पर माना गया है, क्योंकि जल तरल होता है और रक्त भी तरल होता है। कफ धातु इस तत्व के अंतर्गत आती है। विद्वानों ने जल के चार गुण शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस माने हैं। यहाँ रस का अर्थ स्वाद से है। स्वाद या रस का संबंध हमारी जीभ से है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल स्तोत्र जल तत्व के अधीन होते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल तथा जल की तरंगों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। हम ये भी भलीभांति जानते हैं कि विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। जल के देवता वरुण तथा इंद्र को माना गया है। मतांतर से ब्रह्मा जी को भी जल का देवता माना गया है। पांचवा तत्व पृथ्वी। पृथ्वी का स्वामी ग्रह बुध है। इस तत्व का कारकत्व गंध है। इस तत्व के अधिकार क्षेत्र में हड्डी तथा मांस आता है। इस तत्व के अंतर्गत आने वाली धातु वात, पित्त तथा कफ तीनों ही आती हैं। विद्वानों के मतानुसार पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। इस चुंबक का दक्षिण सिरा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है, संभव है। इसी कारण दिशा सूचक चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदा उत्तर दिशा का ही संकेत देता है। पृथ्वी के इस चुंबकीय गुण का उपयोग वास्तुशास्त्र में अधिक होता है। इस चुंबक का उपयोग वास्तु में भूमि पर दबाव के लिए किया जाता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा में भार बढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। हो सकता है इसी कारण दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। यदि इस बात को धर्म से जोड़ा जाए तो कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोए, क्योंकि दक्षिण में यमराज का वास होता है। पृथ्वी अथवा भूमि के पांच गुण शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा आकार माने गए हैं। आकार तथा भार के साथ गंध भी पृथ्वी का विशिष्ट गुण है, क्योंकि इसका संबंध नासिका की घ्राण शक्ति से है। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पंच तत्व मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उनके बिना मानव तो क्या धरती पर रहने वाले किसी भी जीव के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इन पांच तत्वों के प्रभाव मानव के कर्म, प्रारब्ध, भाग्य तथा आचरण पर भी पूरा पड़ता है। जल यदि सुख प्रदान करता है तो संबंधों की ऊष्मा सुख को बढ़ाने का काम करती है और वायु शरीर में प्राण वायु बनकर घूमती है। आकाश महत्वाकांक्षा को जगाता है तो पृथ्वी सहनशीलता व यथार्थ का पाठ सिखाती है। यदि देह में अग्नि तत्व बढ़ता है तो जल की मात्रा बढ़ाने से उसे संतुलित किया जा सकता है। यदि वायु दोष है तो आकाश तत्व को बढ़ाने से यह संतुलित रहेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय माता रानी।